ग्रेजुएशन एडमिशन की प्रक्रिया अब बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में शुरू हो गई है। तो आज की वीडियो में हम सभी यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं। जैसा कि बिहार के टॉप 10 यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी का हम लोग जानेंगे कि आप कैसे सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, बिल्कुल ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। बाबा साहेब पाटलिपुत्र, ललित नारायण, भूपेंद्र, जयप्रकाश नारायण, मगध यूनिवर्सिटी या मुंगेर यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, सभी का एक एक करके बात इसी में वीडियो में हम करने वाले हैं। आप इन सभी में से किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि आपकी एडमिशन की डेट जो है आ गई है। और यहाँ पे देख लीजिए कि एडमिशन लेने में सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है। तो डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लग रहे हैं जो कि 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 100 KB का है तो भी आपका चल सकता है, उससे ज़्यादा कम नहीं चाहिए। सिग्नेचर जो है वो भी 100 KB का चाहिए। उसके बाद मार्कशीट की बात करें तो हाई स्कूल मार्कशीट और इंटरमीडिएट का मार्कशीट लग रहा है। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लग रहा है कि आप फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ में क्या लगाते हैं, पर्सनल मोबाइल नंबर और पेरेंट्स का मोबाइल नंबर या बैंक इन्फॉर्मेशन, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सभी आपको लगेगा। ईमेल आईडी भी खुद का होना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर ले कि हाई स्कूल मार्कशीट और इंटरमीडिएट मार्कशीट कौन सा लग रहा है। इसके लिए अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो अलग से कोई मार्कशीट आपको नहीं लगेगा, सिर्फ रोल नंबर, रोल कोड डालेंगे तो मार्कशीट जो है ऑटोमेटिक वहाँ पे आपका आ जाएगा। जो दोबारा रिजल्ट में पास हुए हैं उनको भी अलग से मार्कशीट कोई देने की जरूरत नहीं है। हालांकि एडमिशन के टाइम में बाद में आपका मार्कशीट वहां पे जमा करना होगा, तो फिलहाल अभी ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन में किसी मार्कशीट की जरूरत यहां पे आपको नहीं पड़ेगी। अब यहां पे देख लेते हैं कि आपको एडमिशन कैसे लेना है। तो यहां पे पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे कि एडमिशन के लिए आपको क्या करना है। आपको SKT एग्ज़ाम सर्च करना है गूगल क्रोम पे। जैसे ही SKT एग्ज़ाम सर्च कीजिएगा ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलकर सामने आएगा। सबसे ऊपर जो है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करते ही यहाँ पे 3 डॉट पे आपको जाना है। 3 डॉट पे जाएंगे, उसके बाद एडमिशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप ग्रेजुएशन एडमिशन का जो लिंक है उस पर आपको क्लिक कर लेना है और सभी यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर आप एडमिशन भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग कैसे यहाँ पे किस डेट में अप्लाई करना है। तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर पे अप्लाई पे क्लिक करना होगा। हालांकि ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी का है, यहाँ पे हम सभी यूनिवर्सिटी का जानेंगे। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी का यहाँ पे आ गया है। अब जान लेते हैं सभी यूनिवर्सिटी का जो है एडमिशन जो है वो कब से शुरू हो रहा है। पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग। अब नीट की तैयारी होगी और भी आसान, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आ गया है फाइनेंशियल हेल्प। जी हाँ, अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपको चाहिए फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत, तो अनअकैडमी का एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आपको मिलेगी फाइनेंशियल हेल्प। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे लिमिटेड टाइम ऑफर है 21 जून से लेकर 30 जून तक के लिए, जिसमें आपको फी 10% ऑफ तो मिल ही रहा है। साथ ही साथ नीट UG और CBSE के लिए कॉम्बो सेल चल रहा है। 1 साल पे आपका 2 महीना फ्री और 2 साल का सब्सक्रिप्शन पे 3 महीना फ्री। साथ ही साथ बम्पर ऑफर में 3 महीने का कोर्स लेते हैं तो आपको 1 महीना फ्री और 10% का डिस्काउंट भी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। जल्दी से आज ही अनअकैडमी पे जुड़ें। और आपको बता दें ये सभी स्टार वाइज शुरू हो रहा है क्रैश कोर्स का 2021 के लिए, जो कि आपके सपने को पूरा कर सकता है। 23 जून को ये बैच शुरू होने जा रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये मौका बिल्कुल ना छोड़ी। साथ ही साथ आपको बता दें बैचेज जो है 2021, 2022 और 2023 के लिए सभी बैचेज यहाँ पे लगातार शुरू हो गई है। अगर आप एक बैच में इनरोल होते हैं तो बाकी सारे बैचेज वर्क को फ्री में मिल जाती है। तो यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज मिलती है, ब्रांडेड नोट्स मिल जाते हैं जो कि अनअकैडमी के द्वारा नीट के एक्सपर्ट बनाते हैं, और वो भी कोटा के भी एक्सपर्ट, आपके ब्रांडेड नोट्स मिल जाते हैं आपको सारे के सारे। साथ ही साथ अनअकैडमी लेकर आ गई है 4 करोड़ का स्कॉलरशिप ऑफर। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, रेफरल कोड अभिषेक ट्यूटोरियल यूज करें
और बिल्कुल फ्री में 4 करोड़ का स्कॉलरशिप अपने नाम कर। जैसा कि आपको बता दें कि मगध यूनिवर्सिटी में 12 जून से ही एडमिशन है, जिन्हें पता नहीं है वो जान लें मगध यूनिवर्सिटी में 12 जून से आपका एडमिशन जो है वो शुरू है, जो कि ज़्यादा दिन अब नहीं बचा हुआ है एडमिशन डेट समाप्त होने में। तो जिनका नहीं अभी तक करवा पाए हैं वो वहाँ पर ज़रूर करवा लें, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। लास्ट डेट है आपका 25 जून, 50 रुपया ओनली लग रहा है, तो 25 जून तक लास्ट डेट है, ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, 2 से 3 दिन मात्र बचा हुआ है। तो जो अभी नहीं करवाए हैं वो जरूर से जरूर करवा लें मगध यूनिवर्सिटी का। फिर दूसरे यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अन्य यूनिवर्सिटी का। जैसा कि यहाँ पे देखें कि इसमें 50 रुपया लग रहा है, मगध यूनिवर्सिटी में काफ़ी कम लग रहा है, 25 जून तक लास्ट डेट है। दूसरी यूनिवर्सिटी की बात कर लें, दूसरा यूनिवर्सिटी में कब से आपका एडमिशन है, तो यहाँ पे देखिए पीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा की बात कर लें तो यहाँ भी 12 जून से ही एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो आपकी शुरू है, यानी 12 जून से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू है और लास्ट डेट भी काफ़ी कम बचा हुआ है। तो आप यहाँ भी एडमिशन नहीं करवाए हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन करवा लें, क्योंकि लास्ट डेट है जो है 30 जून है और यहाँ पे फी जो है 300 रुपया के आसपास लग रहा है। आन यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो या यहाँ पे पाटलिपुत्रा के साथ पटना यूनिवर्सिटी हो गया, फिर आपका पूर्णिया यूनिवर्सिटी की बात कर ले कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में आप कब से ऑनलाइन कर सकते हैं। सभी छात्र बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, अगर पूरी वीडियो देख रहे हैं तो बात करें कि सभी यूनिवर्सिटी में जो डेट है वो थोड़ा अलग अलग है, थोड़ा सा आगे पीछे, ज़्यादा कुछ का अंतर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि बात करें पूर्णिया यूनिवर्सिटी की, तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे अभी तक डेट जो है वो जारी नहीं किया है, फिर भी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जो डेट है वो बहुत जल्द 2 से 3 या 4 दिनों में आपके एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट जो भी बताए गए हैं वीडियो में आप लोग तैयार रख लें, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही आपको फिल करना होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात कर ले पाटलिपुत्र या पटना यूनिवर्सिटी की, तो पटना वुमेंस कॉलेज में तो एडमिशन की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी की सभी कॉलेजेस की बात कर लें तो पटना यूनिवर्सिटी में अभी भी छात्रों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है, तो छात्र जो है खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं या आसपास के साइबर कैफ़े में भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाएं ऑनलाइन आवेदन के लिए। जो ग्रेस मार्क से इस बार पास किए हैं, दोबारा रिजल्ट से पास किए हैं, उन सभी का एडमिशन जो है वो शुरू हो चुका है, अलग से कोई डेट जारी नहीं होगा उन सभी के लिए, सभी एक साथ ही एडमिशन ले सकते हैं। जो इस बार पास किए हैं या जो पहले से पास किए हुए हैं सभी का एडमिशन शुरू हो गया है यहाँ पर। तो बिल्कुल डेट नहीं, लेट नहीं करना है आप लोगों को, जो डेट बताया गया है उस डेट में आप लोग एडमिशन की प्रक्रिया पूरा कर लें, क्योंकि इसके बाद फिर डेट जारी नहीं होगा और आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है, तो आपका 1 साल यहाँ पर वेस्ट हो सकता है। हालाँकि लास्ट में फिर से स्पॉट एडमिशन का डेट निकलेगा, लेकिन उसमें आपका आर्ट्स साइंस कॉमर्स किस में लेना है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको जो कॉलेज पसंद है वो कॉलेज आपका मिल ही जाए, इसलिए आप अभी ही आवेदन कर ले। इसके लिए 3 मेरिट लिस्ट जारी होगी ऑनलाइन करने के बाद, पहली मेरिट लिस्ट, दूसरी मेरिट लिस्ट और तीसरी मेरिट लिस्ट। तो तीनों में आपका एक एक करके जो है नाम आने लगता है, तो पहली मेरिट लिस्ट में आ गया तो बहुत अच्छे, नहीं आया तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आप वेट करेंगे, अगर सेकंड में भी नहीं आया तो थर्ड मेरिट लिस्ट तक जारी करती है सभी यूनिवर्सिटी। तो आपका एडमिशन जो है लास्ट तक हो ही जाएगा, आपके कितने ही मार्क्स हैं तो भी एडमिशन हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।